गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंस की क्लास में। जैसा कि आपको सभी को पता है कि हम जो ये क्लासेज ले रहे हैं, उन क्लासेज में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सिलेबस हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसका जो कॉन्सेप्ट निकल के सामने आएगा वो कॉन्सेप्ट आप सभी को अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो रिटर्न वर्क यहाँ बोर्ड पे है उसको आप तक नोट्स की फॉर्म में, जो कि पीडीएफ आप सभी को मिलेगी, वो आपको हम टाइम पे प्रोवाइड करवा सकें। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि हमने चैप्टर वन का थोड़ा सा पार्ट लिया है जो बेसिक पार्ट है केमिस्ट्री का, ठीक उसी तरह से हम चैप्टर नंबर टू का भी बेसिक पार्ट ले रहे हैं, लेकिन जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे आप मान के चलें उनके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में डेफिनेटली मिलेंगे और मैं जल्दी ही आपको वन और टू के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए बात करते हैं आगे की। तो कल हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर टू की, वन को हमने फिनिश कर ही लिया था, टू में हमने एंट्री ले ली थी। उसमें हमने बात की थी एलिमेंट की, उसका क्लासिफिकेशन भी हमने वहां किया था। यानी कल हम बात कर रहे थे तत्व की, यानी तत्व एवं इसका वर्गीकरण, तत्व एवं इसका वर्गीकरण। देखिएगा एक बार फिर से लेते हैं इस टॉपिक को। देखिए तत्व का मतलब है ऐसी संरचना जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएं। यानी किसी संरचना में अगर एक ही तरह के परमाणु हैं तो उस संरचना को अपन नाम देंगे तत्व का। हमने कल वर्गीकरण भी किया था कि एक जो तत्व है वो कितने समूहों में वर्गीकरण किया जा सकता है उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। ये जो वर्गीकरण अपन कर रहे हैं ये तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों पर आधारित है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, नंबर वन पर आते हैं धातु, नंबर दो पर आती है धातु, और तीसरी जो श्रेणी है उसको हम कहते हैं उपधातु। देखिएगा तो अगर बात करें वर्गीकरण की तो तत्वों के वर्गीकरण में तीन प्रमुख श्रेणियां आती हैं, धातु, अधातु और उपधातु। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं धातु को। एज यूजुअल हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे हम परिभाषा की, धातु कहते किसे। देखिएगा धातु ऐसे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। सुनिएगा ध्यान से, धातु ऐसे तत्व हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि धनायन बनाएंगे। हम पहले धातु को पूरा करेंगे फिर अपन आगे वाला जो टॉपिक हमारा है धातु है उस पर फोकस कर लेंगे। तो जो धनायन बनाएंगे वो तत्व जो है धातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास Na है और जैसा कि आप लोग जानते हैं Na जो है वो सोडियम है। मैं आपको कुछ तत्वों के प्रतीक भी यहाँ बताऊंगा। Na है सोडियम, Na को अपन कहते हैं सोडियम। तो Na क्या करेगा, Na जो है Na प्लस बनाएगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ निष्कासन होगा। Na Na प्लस बनाएगा और साथ में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। तो ये निष्कासन हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे उतना ही तत्व पर धनायन आएगा, धनावेश आएगा। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ, इसका मतलब यहाँ पे एक धनायन Na पर प्लस वन चार्ज आ गया है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल अगर आप ले, मान लीजिए हमने अगला एग्जाम्पल लिया है Mg, इसको कि अपन मैग्नीशियम कहते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागे जाएंगे मैं इसकी भी आपको ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी, आप क्लास के साथ बने रहें, आपको हर एक चीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जाएगा। कि आप यहाँ सोच रहे होंगे Na प्लस कैसे आ गया, प्लस ही क्यों आया, माइनस क्यों नहीं आया, वन ही क्यों आया, टू क्यों नहीं आया, तो इन सभी की हम डिस्कशन डिटेल में करेंगे, डोंट वरी, स्टे हियर। Mg की बात करते, Mg रिलीज करेगा यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन और ये बनाएगा Mg प्लस टू। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो है वो Na प्लस बना, कैसे Mg प्लस टू बना, हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप ये देखें कि धनायन कब बनेगा, धनायन तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन किया जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होगा उतना ही धनावेश उस तत्व पर आएगा। एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ इसलिए Na प्लस बना, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हुआ है इसलिए Mg प्लस टू बना है। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़े मैं कुछ तत्व और उनके जो प्रतीक हैं वो आपको बताना चाहूंगा।
एक ही काम। हालांकि इनकी डिटेल में हम जानकारी चैप्टर नंबर 3 में लेंगे, फिर भी मैं कुछ तत्व आपको बता देता हूँ, देखिएगा जो हमारे यहाँ काम आएंगे। देखिएगा Na प्रतीक है सोडियम का। चलिए हम स्टार्ट से करते हैं, स्टार्ट नंबर 1 से लेते हैं, सोडियम का नंबर 11 पे हम तो 1 से करते हैं स्टार्ट। देखिएगा नंबर 1 पे आता है आपका हाइड्रोजन। देखिए 1 है इसका परमाणु क्रमांक। नंबर 2 पे आपका आता है हीलियम। देखिए चैप्टर नंबर 2 के जो टॉपिक्स हैं वो चैप्टर नंबर 3 से भी रिलेट करते हुए हैं, इसलिए चैप्टर नंबर 2 को पढ़ना जरूरी है। 2 पे आपका हो गया हीलियम, नंबर 3 पे आपका आता है लिथियम, थर्ड वन आपका है लिथियम। बिल्डिंग कौन सी है? थर्ड वन है लिथियम। नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है आपका बेरिलियम, 4 पे आपका है बेरिलियम, 4 पे आपका है बेरिलियम। नेक्स्ट एटमिक नंबर 4 पे आपका है बेरिलियम। ठीक है ध्यान से। नंबर 5 बी ये आपका है बोरोन। नेक्स्ट नंबर 6 कार्बन। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर नाइट्रोजन। नंबर 8 ऑक्सीजन। नंबर 8 ऑक्सीजन। नंबर 9 क्लोरीन। नंबर 10 पे जो आता है आपका एक अपक्रिय गैस है और इसको हम कहते हैं नियोन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि 1 to 10 हमने कुछ एलिमेंट्स और उनके प्रतीक लिए हैं। ये जो 1 to 10 आप जो सीक्वेंस देख पा रहे हैं, सीक्वेंस एक्चुअली परमाणु क्रमांक है। और जैसा कि आप जानते होंगे छोटी क्लासेस में भी आपने ये स्टडी की होगी कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो परमाणु क्रमांक एक्चुअली किसी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसके थ्रू डिसाइड होता है। एक सिंपल एग्जांपल अगर अपन लेके बात यहां करें, देखिएगा एक बार ध्यान से, ये एक एटम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की सराउंडिंग में आपको जानते हैं प्रेजेंट होते हैं सेल। सेल ये आपका SH की डबल लेयर है, C की डबल लेयर नहीं है। सेल जिसको कि हम कहते हैं कोष, इन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जबकि जो न्यूक्लियस है जो सेंट्रल पार्ट है एटम का वहां प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो आप ये जो प्रोटॉन देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर को डिसाइड करते हैं, यानी किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर को डिसाइड करते हैं। हम अगर बात करें कि क्या मतलब है एटॉमिक नंबर का, देखिएगा किसी एटम की जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है उसी पोजीशन को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। यानी हाइड्रोजन नंबर 1 पे है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, यानी इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी होगी 1। और ऑक्सीजन 8 नंबर पे है तो इसका परमाणु क्रमांक 8 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या 8 है। तो वो डिसाइड होता है न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या की वजह से, जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा, यानी उस परमाणु की पीरियोडिक टेबल हिंदी में कहते हैं अपन आवर्त सारणी में वो पर्टिकुलर उसकी पोजीशन होगी जितने कि उसमें प्रोटॉन। मान लीजिए 100 प्रोटॉन है तो उस परमाणु का परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 100 होगा। मान लीजिए 118, आपको पता होगा अब तक की हम बात करें, आज के दिन की हम बात करें तो आज तक कुल 118 एलिमेंट्स तब तो हमारी पीरियोडिक टेबल में डिस्कवर किए जा चुके हैं। तो 118 अगर प्रोटॉन है इसका मतलब एटॉमिक नंबर होगा 118। इसी तरह से हम देख पा रहे हैं जितने प्रोटॉन होंगे वो उस एटम का एटॉमिक नंबर बताएगा।
यानी कि पीरियोडिक टेबल में उस एटम की पोजीशन को बताएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे और उनके प्रतीक आपके लिए बनाए गए हैं। अब थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा आपके लिए कि किस तरह से हम धातु और अधातु को क्लासिफाई कर पाएंगे डिफरेंटली, कैसे कितने इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट गेन कर पाएगा और कितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम किस तरह से लूज कर पाएगा। देखिए वहां पर भी कंडीशंस काम करती हैं। कुछ ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कौन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, हम बात करेंगे ट्रिक्स के लिए। फिलहाल हम वापस अपना टॉपिक रीस्टार्ट करते हैं। धातु के साथ हम भरे हुए थे, वापस से स्टार्ट कर रहे हैं धातु को। तो हमने कहा कि ऐसे एलिमेंट, सॉरी ऐसे तत्व जो कि इलेक्ट्रॉनों को त्यागेंगे। क्यों त्यागेंगे? क्योंकि देखिएगा एक चीज चलती है केमिस्ट्री में, जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी जिसको हम कहते हैं स्थायित्व। अब ये बात आती है क्यों स्थायित्व ग्रहण करना चाहते हैं। सोडियम 11 नंबर पे है, वो क्यों स्टेबिलिटी गेन करिए, लूज और गेन करते ही क्यों है? तो देखिए इसके पीछे भी रीजन है। हमारी पीरियोडिक टेबल में एक कॉलम है, कॉलम क्या आपका ग्रुप नंबर है, वो ग्रुप नंबर है 18। अगर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो ग्रुप नंबर 18 में एक सीक्वेंस चलती है एलिमेंट्स की, उसकी भी एक ट्रिक है। तो यहां प्रस्तुत है ट्रिक आपके लिए। हरभजन ने अगर अगर को जीरो रन पे आउट किया तो देखिएगा, आपको देखिएगा हरभजन ने अगर अगर को जीरो रन पे आउट किया तो देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेड। अब इनसे क्या क्या इनकी हेल्प से हम ये समझ पाएंगे कि कोई लूज करेगा कि गेन? यस बिल्कुल समझ पाएंगे। देखिएगा इन एलिमेंट्स की एक खास बात है कि ये सभी स्थाई हैं। क्या मतलब क्या स्थाई का, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली स्थायित्व का मतलब है कि कोई एलिमेंट न तो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, न गेन करेगा, यानी वो स्टेबल बना रहेगा। इनके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो भी इनके जैसा बनना चाहते हैं तो वो या तो लूज करेंगे या गेन करेंगे, और ऐसा करने के बाद इनके जैसा बन जाएंगे। ऐसा हो जाएगा तो उनका भी स्थायित्व बन जाएगा और वो भी इनके जैसे हो जाएंगे, इसलिए वो या तो लूज करेंगे या गेन करेंगे। ये एक प्रवृत्ति होती है सभी धातुओं की, या तो लूज करेंगे, सॉरी सभी धातु जो है वो एक ही प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे यानी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे। अब बात करते हैं कुछ विशिष्ट गुणों की। देखिएगा ध्यान से, कुछ गुण है धातुओं में और ये जो गुण है वो हमारी डे टू डे की लाइफ में भी हम देखते रहते हैं। जैसे कि पहला ही गुण यहाँ पे ले, आघात वर्धनीयता, मैलिबिलिटी। देखिएगा बहुत सारे धातु तत्व इस तरह के होते हैं जिनको हम पीट कर, आप जानते हैं आयरन स्मिथ को, लोहार जो होता है वो धातुओं को पीट कर उनको फ्लैट बना देता है, चपटा बना देता है, और फ्लैट बनाने के बाद उनसे फिर अदर आइटम्स बनाए जाते हैं, अदर बॉक्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो आघात वर्धनीय वो प्रवृत्ति है धातुओं की जिसमें धातुओं को पीट कर चपटा बना दिया जाता है, उससे फिर अन्य उत्पादों का निर्माण किया जाता है। और ये प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी एल्यूमिनियम के अंदर भी है, एल्यूमिनियम एल आपका आयरन एफी के अंदर भी है, सबसे ज्यादा की बात करें तो सिल्वर आपका, सिल्वर जिसको अपन चांदी कहते हैं, और गोल्ड आपका सोना, एयू गोल्ड सोना और एजी आपकी जो सिल्वर है, इन सभी तत्वों में जो है आघात वर्धनीयता की प्रवृत्ति पाई जाती है जो कि हमारे लिए काफी यूजफुल है। अगली प्रवृत्ति, अगला गुण हम अगर देखें तो वो आपका अगला गुण आता है जिसको कहते हैं डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी कहते हैं। देखिए डक्टिलिटी में क्या होगा, एक जो तत्व है उस तत्व से हम तार बना सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कॉपर के वायर बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के भी वायर बनाए जाते हैं, जो बड़ी लाइन आप देखते हैं, बड़ी जो लाइन आती है मोर देन 1000 kV किलोवाट की जो लाइन आती है वहां एल्यूमिनियम के वायर काम में लिया, क्यों ले जाते हैं काम में, इसका भी लॉजिक काम करता है यहाँ पे। एल्यूमिनियम के क्यों लिए साहब, कॉपर तो अपन घर में काम में, बाहर भी कॉपर लगा दो या घर में एल्यूमिनियम लगा दो, ये डिफरेंस जो है इसके पीछे भी रीजन काम करता है। देखिएगा थिकनेस जो होती है और जो लेंथ होती है उस पे प्रतिरोध निर्भर करता है, या आप 10th क्लास में भी स्टडी करेंगे। फिलहाल आप टॉपिक को थोड़ा सा लिमिटेड रखें तो बेटर होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे। तो जो डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी जिसको कि हम कहते हैं, उस गुण से वायर बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं, डक्टिलिटी। यानी ऐसा गुण जिससे
धातु तत्वों को वायर में या तारों में परिवर्तित किया जा सके। एग्जाम्पल की बात करें, सबसे ज्यादा डक्टिलिटी का गुण आता है कॉपर के अंदर और एल्यूमिनियम के अंदर, हालांकि सिल्वर के भी वायर बनाए जाते हैं, यानी उसको अपन कह सकते हैं तार बनने का गुण। आज हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो तत्व हैं उनको भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा गया। श्रेणियां आपके सामने भी थी, धातु, अधातु और उपधातु। फिर हमने बात करी है तत्वों के जो प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं, किस तरह से प्रोटॉन का नंबर तत्व के परमाणु क्रमांक का निर्धारण करेगा। उसके बाद हम कुछ तत्वों के गुणों का यहाँ डिस्कशन कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम धातु तत्वों के समस्त गुणों को डिस्कस करने के बाद अधातु और उपधातु को कंप्लीट करते हुए चैप्टर नंबर 2 को फिनिश करके चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। क्यों? चैप्टर नंबर 2 से आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर नंबर 3 जो प्योर केमिस्ट्री का पार्ट है वहां पे आपको बेनिफिट देगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।